गाजियाबाद के मुरादनगर में खसरे की बीमारी से 35 बच्चे बीमार हो गए। 5 दिन पहले खसरे से एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है, बावजूद इसके प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। जलालपुर गांव के लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में आई थी, लेकिन किसी को बिना दवाई दिए ही लौट गई। WHO की टीम भी गांव में जा चुकी है। अयोध्या शोध संस्थान में रामलीला का मंचन शुरू होने से अयोध्या का संत समाज काफी खुश है। अयोध्या शोध संस्थान साल 2004 से रामलीला का मंचन करवा रहा था। देश विदेश से आए रामलीला मंडली ने रामलीला का मंचन किया, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने पैसे का अभाव बताकर रामलीला को बंद करवा दिया था। यूपी में योगी सरकार ने अयोध्या में रामलीला शुरू करने का फैसला लिया है। गैंगरेप के आरोप में जेल में बंद अखिलेश सरकार के मंत्री रहे गायत्री प्रजापति के परिवार ने गुरुवार को यूपी के गवर्नर राम नाइक से मुलाकात की। करीब आधे घंटे चली इस मुलाकात में परिवार ने गायत्री पर गैंगस्टर लगाए जाने की आशंका जताई। गवर्नर राम नाइक ने उनके साथ कोई अन्याय नहीं होने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही गवर्नर ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी के साथ बात करने का भी आश्वासन दिया। यूपी के अमरोहा में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने गौवंश हत्या के कानून को लेकर विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि गौवंश हत्या कानून नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गौ हत्या बंदी के कानून को अमल में लाना चाहिए। यूपी के देवरिया में एक स्कूल टीचर पर छात्र को बेरहमी से पीटने का आरोप है। JK मित्तल अकेडमी के 6th क्लास में पढ़ने वाले छात्र मयंक तिवारी का आरोप है कि वो क्लास में अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, तब क्लास टीचर हामिद अंसारी ने उसकी पिटाई कर दी। मयंक को पैरों में चोट आई है, जिससे वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा। छात्र के घर वालों ने स्कूल प्रशासन से टीचर के खिलाफ शिकायत की है। स्कूल के प्रिंसिपल ने भरोसा दिया है कि मैनेजमेंट की मीटिंग के बाद आरोपी टीचर पर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में ट्रैफिक पुलिस ने सवारियों से भरी सरकारी बस को क्रेन से उठवा लिया। झांसी डिपो की बस झकरकटी बस अड्डे से लखनऊ जा रही थी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने बस को क्रेन से खिंचवा लिया। बस में बैठे ड्राइवर और कंडक्टर दोनों चिल्लाते रहे, लेकिन दरोगा ने एक नहीं सुनी। यूपी में पेट्रोल पंपों पर तेल चोरी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इस सिलसिले में सुल्तानपुर जिले में भी पेट्रोल पंपों पर छापे मारे गए। जिलाधिकारी S. राजलिंगम के निर्देशन में गठित टीम ने पूर्व विधायक अनूप संडा के पेट्रोल पंप सहित 3 पेट्रोल पंपों की जांच की, जिसमें एक पेट्रोल पंप की 2 मशीनों को सीज किया गया। इससे पहले 13 पेट्रोल पंपों पर हुई छापेमारी में 3 पंपों का चालान किया गया था। मेरठ में भी 7 पेट्रोल पंपों पर छापेमारी की गई, जिसमें दिल्ली रोड पर सेखो पंप पर अनियमितता पाई गई, जिसकी डीजल मशीन को सील कर दिया गया है। शहरी विकास मंत्रालय ने गुरुवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 की सूची जारी की। 434 शहरों में स्वच्छता को लेकर हुए सर्वेक्षण में चंडीगढ़ 11वें नंबर पर रहा। चंडीगढ़ को 1701 अंक मिले हैं। चंडीगढ़ पिछले साल 2रे नंबर पर था। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कश्मीर में शहीद परमजीत सिंह के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सूबेदार सतनाम सिंह ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और उस पर हमें फख्र है, लेकिन हमारे सैनिकों के साथ पाकिस्तान ने जैसा बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया है, उसके लिए उसे मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाने की मांग की। पंजाब सरकार की 10 रुपए में भोजन मुहैया कराने की स्कीम की शुरुआत फरीदकोट में की गई। अब जरूरतमंद 10 रुपए में भरपेट खाना खा सकेंगे। सांची रसोई का उद्घाटन फरीदकोट में डिप्टी कमिश्नर राजीव पाराशर ने किया। इस रसोई में सुबह 11 बजे से 3 बजे तक खाना मिलेगा।